हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेदा ऑफ आयु। आज हम पढ़ेंगे कर्णगत रोग। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, इसे बहुत आसान तरीके से हम याद करेंगे। कर्णगत रोग जो होते हैं आपके, वो होते हैं 28। शुरुआत के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें देखिए कैसे याद रखना है। शूल, नाद, श्वेड और बाधिर्य, ये जो होते हैं आपके, इनकी चिकित्सा सेम होती है। तो आपको इन्हें एक साथ याद करना है, शूल, नाद, श्वेड और बाधिर्य। तो कर्ण शूल, कर्ण प्रनाद, कर्ण श्वेड और कर्ण बाधिर्य, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके, एक साथ आपको इनको याद करना है, जैसे स्राव हो गया है, पुति और कृमि। तो कर्ण स्राव, पुत्तिकर्ण और कृमि कर्ण। नेक्स्ट देखिए कैसे याद रखना है, प्रतिना गोद कर कंडू पका, ऐसे याद करना है। प्रतिना गोद कर कंडू पका। तो देखिए प्रतिना से क्या हो गया, प्रतिना कर्ण, प्रतिना गूंद कर से हो गया कर्णगूत, कंडू से हुआ कर्ण कंडू और पक से हुआ कर्ण पाक, ओके। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, अर्श, अर्बुद, शोफ और विद्रधि, इनके टाइप्स होते हैं। अर्श कर्ण, अर्श के होते हैं 4, वातर पित्तर कफज सन्निपातर। अर्श अर्बुद, अर्बुद होते हैं 7, वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज मांसज और मेदज। विद्रधि कितनी होती है, ये 2 होते हैं, दोषज और आगंतुज। नेक्स्ट होता है इसमें शोफ, ये 4 होते हैं, वातज पित्तज कफज और सन्निपातज, ओके। तो ये हो गए हमारे 28। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।